मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर है इसी थर्ड ईयर के लिए। हमने इस प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावा, राइट। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करते हैं? ये हमारी मदद करते हैं टू स्मूथ फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के फ्लो को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो स्मूथली एग्जीक्यूट होता रहे, स्मूथली चले, तो उसके लिए हम ये कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो जो ये आपके कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आपके आगे ये क्या स्टेटमेंट, ऐसे ये क्या स्टेटमेंट, स्विच एलोकिंग है, तो ये सब आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ये सब आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी अबाउट द इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इसके बारे में बात करी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या था? ये सब सिंटैक्स था, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन। इसमें क्या है? अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये हमारा इफ एल्स का सिंटैक्स है। यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पर सिंगल कंडीशन है, कंडीशन आपकी एक ही है। अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो मल्टीपल कंडीशन के लिए आप इस एक्सप्रेशन का यूज करोगे, इफ यहां एक कंडीशन स्टेटमेंट, नेक्स्ट एल्स इफ, कंडीशन फिर स्टेटमेंट, एल्स इफ, कंडीशन स्टेटमेंट। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपका सबसे पहले कंडीशन, ये जो कंडीशन नंबर वन कह दो, इसको कंडीशन नंबर टू, इसको कंडीशन नंबर थ्री। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपकी मल्टीपल कंडीशन है, यहां पर आपकी मल्टीपल कंडीशन है। अगर कंडीशन नंबर वन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली कंडीशन चेक होगी। यहां पर चेक करेंगे ये ट्रू या फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर तीनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई उस केस में एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये आपके इफ एल्स लेटर आपकी कहलाती है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे अबाउट दिस, राइट। तो ये आपके कहलाते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये कहलाते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, राइट। अब हम बात करते हैं आज एक नए स्टेटमेंट के बारे में, एक नए कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, जिसका नाम है स्विच। हम स्विच के बारे में बात करेंगे। आज स्विच स्टेटमेंट इन जावा इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। द स्विच स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद शॉर्ट बाय डीप लॉन्ग टाइप के साथ यूज होता है, फ्लोटिंग टाइप के साथ यूज नहीं होता। वन और एन नंबर ऑफ केस वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड फॉर स्विच एक्सप्रेशन, केस वैल्यू दैट आर डुप्लीकेट आर नॉट कंसीडरेबल, द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कांस्टेंट, यूजेस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन मेक द क्रिएट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। तो यहां पर हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। एक सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल कंडीशन के लिए हम एग्जीक्यूट कराते हैं स्विच स्टेटमेंट में। यहां कुछ प्रोग्राम है जो हमने इफ एल्स के लिए यूज कर रखे हैं, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ये सिंटैक्स मैंने बताया, ये इसके लिए है, इफ कंडीशन या ये सिंटैक्स है, यहां पर क्लियर रहता शुरू कर लिया सिंपल स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट टू। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? ये इफ स्टेटमेंट देखो यहां पे शुरू हो रहा है, यहां बंद हो रहा है, यहां पे स्टेटमेंट चल रहा है। ये स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा, अगर ये वाली कंडीशन क्या होगी? ट्रू। अगर ये वाली कंडीशन क्या होगी? ट्रू, तभी ये वाला स्टेटमेंट। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। दूसरे वाला प्रोग्राम देखते हैं, इफ एल्स वाला। यहां पर देखिए पब्लिक क्लास में एक क्लास बनाई, स्टैटिक पॉइंट में लगाया, इन के ए की वैल्यू 15 डाल दी। यहां पर हमने कंडीशन लगाई इफ ए ग्रेटर देन 20, अगर ए की वैल्यू 20 से बड़ी है तो प्रिंट आ जाए ए इज ग्रेटर देन 10, एल्स
सम ऑफ इंडक्टर ए इज लेस देन एन, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 15, ए की वैल्यू क्या है इंडक्टर रखी है 15, और कंडीशन क्या लगा रखी है ए ग्रेटर देन 20। अगर ए ग्रेटर देन 20 है, लेकिन ए तो ग्रेटर देन 20 नहीं है, ए क्या है, ए को क्या वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 15। जब ए को 15 वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है तो उस केस में ए के अंदर क्या आ गया 15, अब 15 बड़ा छोटा होता है 20 से, 15 क्या होता है छोटा होता है 20 से, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तुरंत एल्स वाला पार्ट चलेगा, तुरंत एल्स वाला पार्ट चलेगा, और जो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वे एग्जीक्यूट होंगे। तो आउटपुट क्या आएगा ए इज लेस देन 10 एंड हेलो वर्ल्ड, ए इज लेस देन 10 एंड हेलो वर्ल्ड। ये एग्जांपल है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का, ये एग्जांपल है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर देखो साफ साफ है ए की वैल्यू यहाँ पर 15 है, यहाँ कंडीशन लगा रखी है अगर ए ग्रेटर देन 20 हो तो प्रिंट होकर आए ए इज ग्रेटर देन 10, लेकिन ए क्या है 15 है, तो कंडीशन हो गए फॉल्स, इसलिए एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है ए इज लेस देन 10 एंड हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट देखो इस प्रोग्राम का क्या आया ए इज लेस देन 10 एंड हेलो वर्ल्ड, राइट। ये एग्जांपल है किसका इफ एल्स स्टेटमेंट का, राइट। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स में देखो इफ कंडीशन, ये स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट, फिर दूसरी कंडीशन इफ कंडीशन, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, एल्स अब कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। यहाँ पर देखो पब्लिक क्लास मेन बनाई, पब्लिक की सेटिंग बोर्ड मेन लगाया, इफ एस, एस की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ पहली कंडीशन लगा दी इफ एस ग्रेटर देन 10, अगर एस 10 से बड़ा है, और इफ एस ग्रेटर एस ग्रेटर देन 10, और दूसरी कंडीशन लगाई इफ एस परसेंटाइल टू इक्वल इक्वल टू जीरो, इफ एस परसेंटाइल टू इक्वल इक्वल टू जीरो, तो एस इज एन इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 10, एल्स अदरवाइज ही, राइट। और फिर उन्होंने एल्स पार्ट में ये लगा दिया, तो यहाँ देखो इसके अंदर भी क्या कर रखा है उन्होंने एल्स को यूज कर रखा, इस तरह नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या यूज करेंगे सीधा सीधा हम इफ एल्स लेटर यूज करेंगे। इफ एल्स लेटर नेस्टेड इफ एल्स में सबसे बड़ा सबसे अच्छा है, हम क्या यूज करते हैं इफ एल्स लेटर यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की तरह मल्टीपल कंडीशन। कैसे यहाँ पर एक क्लास बनाए म्यूजिक मेन मेथड पर लाया, यहाँ पर तीन इंस्ट्रूमेंट इंटीजर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 4 सेट कर दी, स्ट्रिंग में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में वैल्यू ले लिया, स्विच लगाया स्विच के अंदर वैल्यू पास कर दिया इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितनी है 4, अलग अलग केस लगा दिए, पहला केस केस वन, केस वन में हमने जो स्ट्रिंग में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाया उसके अंदर वैल्यू डाल दी कितनी गिटार, ब्रेक करा, ब्रेक क्या करेगा तुरंत इसको इसको कंट्रोल को यहाँ पे ब्रेक कर देगा और आउटपुट इससे बाहर आ जाएगा। केस टू केस थ्री केस फोर केस फाइव केस सिक्स और एंड में हमने क्या लगाया एंड में हमने लगा दिया डिफॉल्ट, एंड में हमने लगा दिया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हमने लिख दिया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड ब्रेक, और फिर एंड में हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब लेकिन यहाँ पर देखो इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितनी है 4, तो ये केस की वैल्यू से मैच होगी, तो वो केस 4 चलाएगा, केस 4 चलाएगा, तो आउटपुट क्या आ गया ट्रू। आउटपुट यहाँ पर क्या हो रहा है बाहर सिस्टम डॉट आउट करने में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्रिंट करा रखा है और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या वैल्यू है फ्लू, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ गया फ्लू, इस प्रोग्राम का आउटपुट आ गया फ्लू। तो इस तरह से हम जो स्विच है उसको हम यूज कर सकते हैं, देखिए कैसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं।
इंटेल फोर फ्यूचर स्टेटमेंट है, राइट। सबसे पहले स्विच कीवर्ड आएगा, इस स्विच कीवर्ड के अंदर एक्सप्रेशन आएगा, स्विच शुरू होगा, स्विच हम बंद होगा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केस आएंगे। फिर हम एंड में यहां पे ब्रेक यूज करेंगे, केस टू ब्रेक, केस थ्री ब्रेक, डिफॉल्ट ट्रांजिशन। तो ये सिंटैक्स है किसका, स्विच स्टेटमेंट। यहां पर जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम पर्टिकुलर केस की वैल्यू से मैच करते हैं, उस पर्टिकुलर केस की वैल्यू से मैच करते हैं। एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस केस से मैच हो जाएगी वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर एक कीवर्ड यूज हो रहा है जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक यूज होता है टू ब्रेक द फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मैंने कहा जैसे ही कंट्रोल को ब्रेक मिलेगा वो तुरंत इस लूप से बाहर आ जाएगा, तुरंत इस लूप से बाहर आ जाएगा। और जो इसकी नेक्स्ट वाली है, जो इससे स्विच से बाहर वाली जो लाइन है उसको चलाएगा, जो स्विच से बाहर वाली लाइन है उनको चलाएगा। तो लूप जैसे को ब्रेक मिलेगा वो आगे की जितनी लाइन है स्विच के अंदर उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, जैसे उसे ब्रेक मिलेगा जो स्विच के अंदर आगे की स्टेटमेंट है उनको वो नहीं चलाएगा, आगे को केस एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। अगर आप यहां पर ब्रेक हटा दोगे तो वो क्या करेगा, शुरू से लेकर एंड तक स्विच के अंदर जो भी लिखे होंगे सारे केस एग्जीक्यूट करा देगा, शुरू से लेकर एंड तक सारे केस एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये काम होता है ब्रेक का, ब्रेक को जैसे ही ब्रेक मिलेगा वो तुरंत ये जो प्रोग्राम का फ्लो है उसको ब्रेक कर देगा और कंट्रोल स्विच से बाहर आ जाएगा, और स्विच से बाहर आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसका प्रोग्राम, इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक सर्किट बोर्ड भी लगाया, ठीक। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंटीरियर टाइप का इंस्ट्रूमेंट, और उसे एक वैल्यू दे दी फोर, उसे एक वैल्यू सेंड कर दी फोर। एक हमने एक्सट्रीम टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रीम इसके लिए होता है, स्ट्रीम होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए। स्ट्रीम क्या है कि आप है जो एरे डेटा टाइप होती है जावा के अंदर। फिर हमने यहां पर स्विच केस लगाया, इस स्विच के अंदर हमने इस इंस्ट्रूमेंट को पास कर दिया, इसके अंदर हमने क्या करा, सबसे पहले केस लगाया केस वन। केस वन के अंदर हमने जो ये वेरिएबल डिक्लेयर करा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये स्ट्रिंग टाइप का, तो इसे हमने एक वेरिएबल दे दिया गिटार डबल क्वोट्स के अंदर, स्ट्रिंग जो आएंगे वो डबल क्वोट्स में आएंगे, और हमने यहां पर इसको ब्रेक करा, राइट। पहला केस यहां पर ब्रेक हो गया, फिर हमने दूसरा केस बनाया,
केस टू के अंदर हमने क्या करा, जो ये हमारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है इसको दूसरी मंजिल में हमने असाइन कर दी, तो वॉइस हमने ले लिया पियानो नाम और हमने यहां पर ब्रेक कर दी। फिर ऐसे में तीसरा केस बनाया, केस नंबर 3, इसको दे दिया ड्रम्स, या फिर हमने ब्रेक लगा दिया। फिर हमने केस बनाया केस नंबर 2, ये हो गया बॉयल। यहां हमने लगा दिया ब्रेक, राइट, केस नंबर 4 तक हो गया। फिर उसके बाद हमने डिफॉल्ट लगा दिया, डिफॉल्ट के अंदर हमने कुछ भी करा दिया, हमने प्रिंट करा लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने लगा दिया प्रिंट दिया इन वैल्यू, इन वैल्यू, राइट। इसके बाद हमने स्विच को क्या कर दिया, बदल दिया, राइट, ये हमारा डिफॉल्ट हो गया। और यहां भी हमने क्या यूज करा इसके अंदर, राइट, हो गया स्विच के बाहर। फिर हमने प्रिंट करा लिया सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन, हमने वैल्यू प्रिंट कराई इसकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की, राइट। और इस प्रोग्राम को हमने यहां पे बंद कर दिया, इस प्रोग्राम को हमने यहां पे बंद कर दिया। और यहां पे क्या होगी, ये तो मेन मेथड हो गया, यहां पर क्लास मेथड हो गया, राइट। तो अब यहां पर जो भी प्रोग्राम चलेगा तो चलेगा कहां से, मेन क्लास के अंदर ही मेन बना रखा, यहां पर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। पहले इंस्ट्रूमेंट डी वाली लाइन चली, तो जो ये इंस्ट्रूमेंट नाम का वेरिएबल है ये डिक्लेयर हो गया, इसको मेमोरी में जगह मिल गई और इसे वैल्यू डिस्क्राइब हो गई थी 4, इसको वैल्यू डिस्क्राइब हो गई 4। अब दूसरा वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एक वेरिएबल और बना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम से, इसे मैं एलोकेट हो गई, राइट। अब स्विच चला, स्विचिंग के अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट पास कर दिया, अब इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू मैच होगी। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 4, तो यहां पे केस 1, यहां पे वैल्यू क्या है 1, तो ये चलेगा नहीं, ये 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, क्या चलेगा 4, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है 4, तो केस नंबर 4 चलेगा। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर वैल्यू क्या चली गई, वॉयलिन, तो यहां पे इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, वॉयलिन, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या आ गया, वॉयलिन। अब यहां पे क्या लगा हुआ है, ब्रेक लगाते ही वो स्विच से क्या जाएगा बाहर, जब स्विच से बाहर आया, स्विच से बाहर आते ही क्या होगा, ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, तो यहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या वैल्यू, वॉयलिन, आउटपुट क्या आ गया, वॉयलिन, आउटपुट क्या आ गया। तो इस तरह से आपका स्विच स्टेटमेंट काम करता है, इस तरह से स्विच स्टेटमेंट काम करता है। अगर आप यहां पर वैल्यू डाल दोगे 3, तो कौन सा केस चलेगा, के चलेगा 3, के जब 3 चलेगा तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, ड्रम। अब गोले भी लगे यहां पर क्या आ जाएगा, ड्रम्स आ गया। ड्रम्स आने के बाद जैसे इसको ब्रेक मिला तो तुरंत स्विच से बाहर आ जाएगा, जैसे स्विच से बाहर आएगा स्विच यहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे क्या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ड्रम्स का आउटपुट क्या आएगा, ड्रम्स। अगर आप यहां पर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 2 कर दोगे, बताओ आउटपुट क्या आएगा, सीधा सा केस नंबर 2 चलेगा, केस नंबर 2 के अंदर क्या है, पियानो, यहां ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक क्या करेगा, स्विच के अंदर आपको बाहर पहुंचा देगा, ये वाली लाइन चलेगी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो ड्रम की वैल्यू क्या प्रिंट होगा। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं।
इस तरह से हम सेशन स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप अपने फाइल में लिखिएगा और चला के लिखिएगा। इसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट में आते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा हो, कोई स्टेटमेंट है, सपोज आपको 500 बार प्रिंट कराना है, सपोज आपको एक नंबर है 555 जो है वो लिखकर 100 बार प्रिंट कराना है, तो आपके पास एक तरीका है, या तो आप 100 बार लिखो या आप उसे क्या कर दो एक लूप में लगा दो और वो लूप जो है वो 100 बार चले, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। दैट इज कॉल्ड लूपिंग। लूपिंग में क्या होता है, आपका एक स्टेटमेंट बारी बारी से हर बार बारी बारी से क्या होता रहता है, एग्जीक्यूट होता रहता है, एग्जीक्यूट होता रहता है, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट आप ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली, लूपिंग स्टेटमेंट की मदद से हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटली बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीटली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एक कोड को बार बार हम उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। हमारे पास बेसिकली तीन तरह के लूप है, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, तो ये लूपिंग स्टेटमेंट हमारे यूज होते हैं। तो लूपिंग का मतलब क्या होता है, लूपिंग का मतलब होता है व्हेन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, हमें ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम यूज करेंगे किसका, लूप्स का, राइट। लूप्स वी हैव थ्री काइंड ऑफ लूप्स, फर्स्ट इज फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, तो हम ये तीन तरह के लूप जो है वो हम यूज करते हैं। थ्री टाइप ऑफ लूप, नंबर वन फॉर लूप, नंबर टू व्हाइल लूप एंड नंबर थ्री डू व्हाइल लूप, राइट। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो लूप हमारा किसके लिए होता है, लूप स्टेटमेंट हमारे यूज होते हैं एक कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराने के लिए। जब आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, तो हम यूज करेंगे लूप का। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट सेक्शन में हम इनके बारे में बात करेंगे, ये हमारे किस में आते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट में आते हैं। आज के लिए इतना ही करना है, ओके, थैंक यू।